हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं ब्रिजवासी गर्ल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, डॉक्टर्स रिकमेंडेड है और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। 4.5 इसकी रेटिंग है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। अभी तक जितने भी लोगों ने यूज़ किया है इसके पॉजिटिव ही रिव्यूज सामने आए हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ रीक्वल स्किन रेडियंस क्रीम के बारे में। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम है और नॉन ऑयली क्रीम है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसको कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हैं। आप डार्क स्पॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्नी स्पॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अनइवन स्किन टोन है तब यूज़ कर सकते हैं, मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है तब यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की स्किन प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे जिन्होंने स्टेरॉइड क्रीम यूज़ किया, क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेरॉइड के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, तब कोई भी क्रीम आपकी स्किन पर काम नहीं करेगी। इसीलिए आप इसको यूज़ ना करें। अगर आपको 6 से 7 महीने हो चुके हैं स्टेरॉइड क्रीम को छोड़े हुए, स्टॉप किए हुए, तब आप यूज़ कर सकते हैं। 6 से 7 मंथ तक आप इसको यूज़ ना करें। अब बात करते हैं इसकी इंग्रेडिएंट की। तो इसमें विटामिन ई है जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करती है, टेट्राहाइड्रोपिपेरिन है, इसके अलावा टर्मरिक है, अर्बुटीन है, ग्लूटाथोन है, ग्रीसलीन है, पीटेरोवाइट है। तो ये सभी इंग्रेडिएंट बिल्कुल ही सेफ है आपके स्किन टोन में। ये मेलानिन को कम करते हैं जो कि अनइवन मेलानिन है, जिसकी जो संख्या है आपकी स्किन में बढ़ती घटती रहती है, तो उसको बैलेंस करके रखते हैं जिससे जो भी डार्क स्पॉट हैं वो कम हो। क्योंकि जब डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन आपकी स्किन पर तभी होती है जब आपकी स्किन में मेलानिन कहीं पर कम हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। तो ये उस इनबैलेंस मेलानिन को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है जिससे आपकी पूरी स्किन इवन दिखे। तो ये इसी तरीके से काम करता है। ये सिर्फ आप किसी भी तरह के ब्राउन पैचेस, डार्क पैचेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, इसका यही वर्क है। इसके अलावा आपको कोई और स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने है, या आप अपने स्किन टोन को लाइट करना चाहते हैं, तो उस तरह की स्किन प्रॉब्लम में ये इफेक्टिव नहीं। इसके बेटर रिजल्ट के लिए आपको 6 से 8 वीक वेट करना होगा। 6 से 8 वीक के बाद आपको इसके जो रिजल्ट हैं वो दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह के स्टेरॉइड क्रीम तो नहीं है जो कि आपको बहुत जल्दी असर दिखाए। ये एक तरह की हर्बल है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 6 से 8 वीक का मतलब है 1.5 से 2 महीने इसको रेगुलर यूज़ करना है, तब इसके जो इफ़ेक्ट हैं आपकी स्किन पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, किसी भी टाइप की है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप इसको डे में भी यूज़ करें, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद में आप इसको यूज़ कर लें। थोड़ा सा क्वांटिटी में इस क्रीम को लेकर के अपने फेस पर जेंटली मसाज करते हुए लगाना है, फिर 10 से 15 मिनट रुकना है, फिर कम से कम 50 SPF आपको ज़रूर यूज़ करना है। इसी तरीके से नाइट में अपने फेस को वॉश करने के बाद में थोड़ी सी क्वांटिटी इस क्रीम की लेकर के अपने पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करते हुए लगा लेना है। ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसको ऑनलाइन ही आपको परचेस करना पड़ेगा। 25 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 490 रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको मिल गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।